तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सब अपने घरों में ही होंगे और होना भी चाहिए। इसी के चलते मैं आपके लिए चार कहानियां लाया हूं। इसमें आपको सुनने में मजा तो आएगा ही, पर जिनके साथ ये सब जिस समय घटा होगा, जरा उनके बारे में भी जरूर सोचें, क्योंकि उनकी वास्तविकता सिर्फ उन्हीं तक सीमित है। पर हमेशा याद रहे, हमारा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद बस आप लोगों का मनोरंजन कर आप सभी से जुड़ना है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एक बात और, अगर आपके पास कोई भी कहानी है तो आप उसे मुझे भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दरअसल दोस्तों, आपने सुना होगा कि यदि कोई साया या कोई आत्मा अगर किसी इंसान के आसपास होती है तो उस इंसान को किसी प्रकार की कोई खबर नहीं होती, परंतु वही आत्मा किसी भी प्रकार के जानवर को दिखाई देती है। आज मैं ऐसी ही एक कहानी को लेकर आपके सामने आया हूं। दोस्तों, ये कहानी ऐसे इंसान की है जिसे किसी आत्मा या किसी साये या इनसे होने वाले किसी भी प्रकार के खतरे पर विश्वास नहीं था, और ना ही वो किसी भूत पिशाच पर विश्वास करता था। दरअसल दोस्तों, बहुत समय बाद रोहित को उसके ऑफिस से छुट्टियां मिली थी, और जिसे वो बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता था। हर इंसान की तरह रोहित ने भी बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी, पर वो नहीं जानता था कि किस्मत उसे आगे क्या दिखाने वाली थी। दोस्तों, रोहित ने अपनी छुट्टियां अपने ही दोस्तों के साथ लेने का फैसला किया, और वो सब मिलकर एक एक करके अलीबाग के लिए निकल चुके थे, पर किसी को भी किसी बात की कोई खबर नहीं थी। अगले दिन वो सब अलीबाग देर रात पहुंचे। उन्हें पहुंचते पहुंचते काफी देर रात हो चुकी थी, पर इस बात की किसी को चिंता नहीं थी कि रात ज्यादा हो गई है, क्योंकि वो सब रास्ते में खूब मस्ती करते आए थे और अपनी छुट्टियों का मजा अच्छे से लेना चाहते थे। उन सबने रात ज्यादा हो जाने की वजह से वही एक रूम रेंट पर ले लिया था, और रूम के अंदर पहुंचते ही न जाने सबको अचानक से भूख लगने लगी। खैर, वैसे वो थके हुए भी थे। सबके सब मिलकर एक चाइनीज रेस्टोरेंट में चले गए। वो रेस्टोरेंट 24 घंटे खुला रहता था। कुछ देर बाद वो खाना खाकर वापस होटल की ओर बढ़ गए, और वो सब अपने रूम में पहुंचकर मस्ती करने लगे। वहां अंदर सब अपनी बातें कर रहे थे कि रोहित जाकर बालकनी में खड़ा हो गया। रोहित बालकनी से बाहर का नजारा देख ही रहा था कि तभी अचानक एक कुत्ता सामने आया और जोर से रोने लगा। रोहित ने उसकी तरफ जैसे ही देखा तो भौंकने लगा। उस कुत्ते को ऐसा करते देख रोहित ने अपने दोस्त से पूछा, सुनो, ये कुत्ता ऐसे रो क्यों रहा है? उसका दोस्त अलीबाग का ही रहने वाला था। उसने बताया कि ये जगह हॉन्टेड है, यहाँ अक्सर लोगों को कुछ ना कुछ दिखाई देता है, इसीलिए ये कुत्ता भी उसी चीज को देखकर भौंक रहा होगा और साथ ही रो रहा होगा। रोहित को थोड़ा डर तो लगा, पर उसे इन चीजों पर विश्वास नहीं था। उसने ऐसा कुछ नहीं होता कहकर बात टाल दी, और वो दोनों अंदर की ओर चले गए। थोड़ी ही देर बाद वो सब सोने लगे, और रोहित की आंख बस लग ही गई थी कि अचानक कमरे में घुंघरुओं की आवाज आने लगी। सबको यही लगा कि क्या हो रहा है। तभी रोहित ने सोचा कि क्यों ना एक बार लाइट ऑन करके देखा जाए। रोहित ने हिम्मत करी और खड़ा हो गया, और जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ने लगा, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। लेकिन उसने हिम्मत कर जल्दी से बटन पर हाथ मारा और लाइट ऑन कर दी, और इधर उधर देखने लगा। पूरे कमरे में चारों तरफ देखने के बाद उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया, पर ना जाने क्यों वो दीवार के एक कोने में देखता रहा। वहां उसे एक परछाई दिखाई दे रही थी। रोहित पहली बार इतना डरा था, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था। वो जोर से चिल्लाया। होटल के सभी लोग वहां आ गए और उसकी जान में जान आई। दोस्तों, जैसे ही रोहित को यह पता चला कि उस होटल में तो एक भी लेडीज नहीं है, तो उसका डर सच में बदल गया। उसे अपने डर पर पूरा यकीन हो चुका था कि उसने जो अभी भी देखा वो झूठ नहीं था, वो उसकी आंखों का धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक लड़की की परछाई थी। यही सब सोचते सोचते वो सर पकड़कर बैठ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लगने लगा कि कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा, पर उसके सामने जो परछाई थी वो उसे भूल नहीं पा रहा था।
जैसे तैसे सबने मिलकर वो रात वहीं काटी। इसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए सुबह होटल से सीधा शहर को निकल गए। पर वहां जो कुछ भी रोहित के साथ हुआ, रोहित उसे आज तक भुला नहीं पाया। दोस्तों, वैसे रोहित को तो वहां कुछ नहीं हुआ, पर इसके बाद से अब वो भूत पिशाच पर यकीन करने लगा है, क्योंकि अक्सर कुछ आत्माएं हमें अपने होने का एहसास करा ही देती हैं। वो अक्सर बिना किसी वजह के न जाने क्यों पर सामने आ जाती हैं और इंसान कुछ भी समझ नहीं पाता। दोस्तों, आइए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम रेहान खान है और मैं अभी 16 साल का हूँ। दरअसल ये बात आज से 3 साल पहले की है, जब मेरे साथ ये भयानक घटना घटी थी, जिसका डर आज तक मुझे कभी कभी सोने नहीं देता। दोस्तों, वैसे मैं पटना का रहने वाला हूँ और मेरे गांव का नाम महनार है। दरअसल दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी और मेरी फैमिली ने प्रोग्राम बनाया था गांव जाने का, और हम निकल गए अपने गांव के लिए। पर मुझे कुछ नहीं पता था कि जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आने वाला था। मेरे दादा वहाँ के सबसे अमीर इंसान थे, इसलिए वहाँ सब हमारी इज्जत किया करते थे। दोस्तों, वहाँ पहुँचते ही मुझे मेरा खुद का पर्सनल रूम मिला, जो काफ़ी बड़ा था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश था। पर मुझे किसी बात की कोई खबर ना थी। पहला दिन ऐसे ही निकल गया, सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन रात को जब मैं खाना खाकर अपने रूम में सोने के लिए पहुँचा, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। और मैं जैसे ही अपने बेड पर लेटा, मेरा मन हुआ यूं ही गुनगुनाने का, कि अचानक मुझे ऐसा लगा मेरे बेड के नीचे कोई है। मैंने एकदम से नीचे देखा तो वहां कुछ नहीं था। मैं दोबारा लेट गया और यही सोचकर सोने लगा कि यह बस मेरा अंधविश्वास है, कि तभी अचानक कोई जोर जोर से मेरा दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने आवाज लगाई, कौन है? तो वैसे ही तुरंत वो दरवाजा खटकना बंद हो गया। मैं कुछ देर तो देखता रहा, पर एकदम फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज चालू हो गई। अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने चुपचाप करवट लेके कान बंद करके सोने की कोशिश करी, पर मुझे डर लग रहा था और नींद भी नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो गेट खोलकर देख सकूं कि बाहर कौन था। मैं ऐसे ही सो गया। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैंने सुबह सबको ये बात बताई तो सबको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तुरंत दादाजी ने मौलवी जी को बुलवाया। उन्होंने कुछ देर कमरे को बंद करके रखा, फिर जब वो बाहर आए तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक इच्छाधारी नाग नागिन रहते थे, लेकिन वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मैंने एकदम कहा, कुरान के अकॉर्डिंग तो ये बात पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मरने के बाद हमारी आत्मा तो ऊपर चली जाती है। फिर मौलवी जी ने बताया, जो जिन मर जाते हैं उनके पास बहुत सी मायावी शक्ति होती है, वे अपना रूप बदलकर हमें डराते हैं और हम उन्हें ही भूत मानते हैं। पर हर जिन ऐसे नहीं होते, सिर्फ बुरे जिन ही, जिन्हें हम शैतान कहते हैं, वही ऐसा करते हैं। दोस्तों, मैं ये सब सुनकर बहुत डर गया था। उस दिन के बाद से मैं दादाजी के साथ ही सोने लगा, सब कुछ फिर ठीक चल रहा था। पर जिस दिन मैं दोस्तों ट्रेन पकड़ के वापस घर लौट रहा था, उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। मेरी मम्मी पापा सामने वाली सीट पर बैठे थे और मैं अलग सीट पर सो रहा था, कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे ऊपर कोई बैठ रखा है। मैंने तुरंत आंखें खोली, देखा तो कोई नहीं था, पर मुझे वो भार महसूस हो रहा था कि अभी भी कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है। मैंने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा तो मुझे दिखा कि बाहर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, पर फिर भी मुझे पेड़ों के बीच एक उजाला दिखा जो कि हमारे साथ साथ आगे बढ़ रहा था। मैं डर गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मैं जल्दी से माँ के पास गया और बगल में सो गया। मुझे नींद आ गई। जब सुबह आँख खुली तो हम पटना वापस पहुँच चुके थे। उस दिन के बाद वो घटना हमारे साथ फिर कभी नहीं हुई, लेकिन दादाजी ने बताया था कि अच्छे जिन भी होते हैं, शायद वो हमें कोई चोट नहीं पहुंचाते। पर जब भी मुझे वो दिन याद आता है तो मैं सिर्फ उन दिनों को भूलने की कोशिश करता हूँ। मेरा नाम निशिता है, मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ। दरअसल मैं कुछ दिनों से नानी के घर गई थी। अक्सर मैं वहाँ ज़्यादातर जाया करती थी। मुझे नानी के साथ रहना बहुत पसंद है। नानी के साथ बातें करना, उनकी मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
मेरे कुछ दोस्त भी वहां रहते थे, इसी बहाने मैं उनसे भी मिल लिया करती थी और हम बहुत मस्ती किया करते थे। तो ऐसे ही हर बार की तरह मैं इस बार भी नानी के घर गई थी और हमेशा की तरह यहाँ अपने फ्रेंड से मिली। पर इस बार जाने क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैं अपनी दोस्त से बात कर ही रही थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरे हाथ पर हल्के से हाथ फेराया। मैंने इधर उधर देखा पर वहां मेरी दोस्त और मेरे अलावा कोई नहीं था। मुझे अजीब तो लग रहा था कि अचानक ये क्या हुआ, पर मैंने फिर ज्यादा कुछ नहीं सोचा और कुछ देर बाद हम बात करके अपने अपने घर लौट गए। घर जाते जाते फिर अचानक मेरे मन में वही ख्याल आया कि आखिर वो क्या था, पर फिर मैंने ज्यादा ध्यान ना देकर घर की तरफ बढ़ने लगी। दोस्तों यहाँ पर अक्सर वैसे तो रात को जल्दी खाना खाकर हम सो जाते थे, पर मुझे नींद नहीं आती थी तो हम खाना खाकर बाहर बैठ जाते थे। हर बार की तरह उस दिन भी ऐसा ही हुआ। गांव में लाइट नहीं थी और हमने खाना खा लिया था, और हर बार की तरह इस बार भी मैं अकेले ही बाहर बैठी थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, और इस बार उसकी पकड़ बहुत जोर की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं दाएं बाएं मुड़कर देखने लगी पर मुझे कोई नहीं दिखा कि तभी हमारा कुत्ता सैम मेरी तरफ देखकर भौंकने लगा, तो वो हाथ की पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत हो रही थी। मैं बहुत घबरा गई थी। सैम लगातार मेरी तरफ देखकर जोर जोर से भौंकता रहा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब एकदम से मेरे साथ क्या हो रहा है। तब जाकर मुझे समझ आया कि शायद सैम को वो चीज़ नज़र आ रही थी जिसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। इससे पहले मैं चिल्लाती कि एकदम से मेरे हाथ से खून निकल गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे किसी ने मेरे हाथों को जोर से दबाया हो। मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ दिन से कुछ अजीब लग रहा था, पर मैंने सब कुछ सिर्फ नज़रअंदाज किया। पर इस बार मेरे साथ बहुत कुछ होना शुरू हो गया था। मैंने नानी दादाजी को जाकर सब बताने की कोशिश करी, पर यह सोचकर रुक गई थी कि वो परेशान हो जाएंगे, और मुझे सिर्फ यही लगा कि कुछ ना बताना ही ठीक है। पर मैं अब से अकेले नहीं रहूंगी तो कभी कुछ नहीं होगा। पर यह सब कहाँ रुकने वाला था, ये सब ऐसे ही चल रहा था। लगातार मेरे साथ यही चीज होती, कभी मेरे हाथों को कोई जोर से पकड़ता तो कभी मेरे बालों को हाथ लगाता। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई तो थी, पर मैं किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। फिर एक दिन अचानक ऐसा हो गया, मैं नानी के साथ ऊपर वाले कमरे में सोई हुई थी। हालांकि मुझे नींद नहीं आ रही थी पर मैं अकेले नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए नानी के साथ सो गई। तभी अचानक सारी खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। मैं जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी पर मेरे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, और तो और ये सारी चीज़ें सिर्फ मुझे ही दिख रही थी। डर इतना बढ़ गया था कि मैं हिल तक नहीं पा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आज मेरी जिंदगी का आखिरी पल हो। पर अभी तक मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंच रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मेरा शरीर एकदम जम चुका था, मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ देर बाद सब ठीक हो गया, सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और सब कुछ मानो ऐसे शांत हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद हिम्मत कर मैंने तुरंत ही नानी को उठाया, सब कुछ शुरू से नानी को बताया। मैं पूरी रात सो नहीं पाई, मैं बहुत डर गई थी, वो सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। नानी ने सब कुछ सुना और पूरी रात मेरे साथ ही उठी रही, और सुबह होते ही मौलवी जी को घर पर बुलाया। तो मौलवी जी ने बताया कि जब मैं अपनी दोस्त से उस दिन बात कर रही थी तो हमारे बीच सारी बातें भूत प्रेतों और आत्माओं पर हो रही थी, तो तब मेरी दोस्त भूत प्रेतों के बारे में सिर्फ बुरा बुरा बोल रही थी, पर मैंने कहा था कि आत्माएं अच्छी होती हैं। इतना बोलने पर वो अच्छी आत्मा मुझ में आ गई। मौलवी जी ने उस आत्मा को तो भगा दिया, पर उन्होंने ये भी बताया कि उस आत्मा ने जाते जाते ये कहा कि मुझे इस लड़की का स्वभाव अच्छा लगा, मैं इसे मारना नहीं चाहता था, मैं इसके साथ रहना चाहता था। फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। आज 2 हफ्ते हो चुके हैं, मैं अभी भी नानी के वहाँ जाती हूँ, पर आज तक फिर से मेरे साथ वो चीज़ दोबारा नहीं हुई। पर दोस्तों कहीं ना कहीं मैं आज तक इन सब चीज़ों को भूल नहीं पा रही। दोस्तों कुछ आत्माएं आपकी अच्छाइयों को देखकर सुनकर आपके सामने या आपके ऊपर आ ही जाती।
तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया, जिन्होंने अपने घर के साथ साथ अपने कुछ अपनों को भी खो दिया और ये चीज वो आज तक कभी भुला नहीं पाए। दोस्तों दरअसल ये बात 1999 की है। मोहाली फेस 11 में रह रहे इस परिवार को आज तक कभी कुछ नहीं हुआ था, ना ही कभी उन्हें ये खबर थी कि कभी उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। दोस्तों हमेशा की तरह पिंकी और उसकी माँ अपने घर के आंगन में बैठे थे। वे दोनों आराम से अपनी बातचीत में लगे हुए थे कि अचानक उनकी छत पर एक पत्थर गिरा। उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, फिर अचानक कुछ देर बाद ही और पत्थर गिरना शुरू हो गए। उन्हें लगा कि शायद छत से कोई पत्थर फेंक रहा है। उन्होंने छत की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं दिख रहा था। उस वक्त अंधेरा भी काफी हो गया था। उन्होंने छत में जाने का प्रयास किया कि फिर 4-5 पत्थर उन पे गिरे। पिंकी जोर से चिल्लाई, उसके पापा और भाई बहन सब आ गए। उन्होंने देखा तो ऊपर से कोई लगातार पत्थर फेंक रहा था। वो जल्दी से छत पर भागकर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काफी अंधेरा था और कोई भी छत पर नहीं था। एक पल को तो उन्हें लगा कि ये सारे पत्थर आ कहां से रहे हैं। वे काफी घबरा गए थे क्योंकि लगातार पत्थर उन पर ऐसे फेंके जा रहे थे जैसे कोई उनके परिवार को चोट पहुंचाना चाह रहा हो। इसके बाद उन्हें लगा कि शायद पड़ोस के बच्चे ऐसा कर रहे हैं। वो भागकर उनका गेट खटखटाने लगे। पूरा मोहल्ला उठ चुका था। उन्होंने पूछा पर पड़ोसी ने कहा कि ऐसा हम क्यों करेंगे, इतनी रात को ये सोने का समय है, ना कि किसी को परेशान करने का। दोस्तों पिंकी के पापा ने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए तुरंत पुलिस को बुलाना ही ठीक समझा। सारे लोग घर के बाहर थे। पुलिस के आ जाने के बाद ही वो सब के सब घर में गए और घर का दरवाजा खोलते ही देखा वहां तो बहुत ज्यादा मात्रा में पत्थर फेंके गए थे। ये बात पुलिस को भी समझ नहीं आई। उस वक्त सबको यही लग रहा था कि ये सब जरूर किसी इंसान की ही हरकत है। पुलिस वालों ने बहुत देर तक वहां तलाशी की, सब जगह देखा पर कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। सबको यही लगा जिसने करा वो भाग गया है, लेकिन किसी को ये खबर नहीं थी कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था। अगले दिन ही उनकी बुआ के घर यानी कि कोलकाता जाने की टिकट थी। उस रात क्या हुआ वो सब नज़रअंदाज करके कोलकाता के लिए निकल गए। पर जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, जब उन्होंने वहां देखा तो सब देखकर वो दंग रह गए। दोस्तों दरअसल उनकी बुआ के घर में भी पत्थर ही पत्थर फेंके गए थे, जो कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं था। उन्हें कुछ कुछ डर भी लग रहा था क्योंकि जो उनके साथ वहां हुआ वही चीज उनके बुआ के घर में भी दोहराई गई थी। अब सब लोग घर के डर चुके थे। उन्होंने ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए सीधा तांत्रिक बाबा को घर पर बुलाया। उन्हें यह सब घटना के बारे में बताया जो कि उनके साथ अचानक से होने लगी थी। सारी बातें सुनने के बाद तांत्रिक ने बताया कि वो एक बुरी आत्मा है जो तुम्हारे परिवार को हानि पहुंचा रही है। इतना सुनकर सारे एकदम चौंक उठे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तांत्रिक ने उन्हें दरवाजे पर एक ताबीज बांध कर दिया और कहा कि इसे खोलना मत। सबके सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। सारी बातें वे सब भूल गए थे कि अचानक एक रात पिंकी सो रही थी, उसे अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि उसके सामने एक औरत खड़ी थी जो कि लगातार यही बोल रही थी कि मैं तेरे पिता को ले जाऊंगी। पिंकी डर के उठ गई। उसने देखा कि सामने कोई नहीं था, पर उस वक्त वो बहुत घबरा गई और भागकर सीधा अपनी माँ के पास गई। ये सारी बातें उसने अपने माता पिता को बताई तो माँ ने ये कहा कि कुछ नहीं होता, बुरा सपना होगा, मत सोच। पर पिंकी कहाँ कुछ मानने वाली थी, वो बहुत डरी हुई थी। उसके सामने जो औरत आई थी उसे उसकी बात अच्छे से याद थी कि जो उस औरत ने पिंकी को कहा था कि वो उसके पिताजी को ले जाएगी। दोस्तों इसके बाद उसी रात पिंकी के पिताजी के सर में बहुत जोर से दर्द होने लगा। सब डर गए थे, ना जाने ये सब क्या हो रहा था। इसका जवाब किसी के पास नहीं था और इसका जवाब किसी को मिलता इससे पहले ही पिंकी के पिताजी को खून की उल्टियां होने लगी। डर तो मानो उनके अंदर इतना बढ़ गया था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। सब लोग तुरंत बिना देरी करे डॉक्टर के पास गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने बताया कि अब ये नहीं रहे।
पूरा परिवार तहस नहस हो चुका था। सब लोग बिखर चुके थे। आखिरकार पिंकी के सामने जो औरत आई थी उसकी बात सच निकली और पिंकी कुछ न कर पाई। इसके बाद पिंकी की पिताजी की मौत को कुछ टाइम ही हुआ था कि अचानक पिंकी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उसकी तबीयत रोज खराब हो जाती और अचानक से ठीक हो जाती। धीरे धीरे उसका बुखार बढ़ता रहा, वो तपती रही। सब लोग एक तो पहले ही परेशान थे और इसके बाद अब ये सब होने लगा था। पिंकी को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। जैसे ही उसे वापस घर पहुंचाया तो फिर से वो बुखार के बीज तपने लगी। इतना सब कुछ होते देख पिंकी का परिवार समझ गया था कि अगर और वो यहाँ रुके तो वो शायद पिंकी को भी खो देंगे। उन्होंने देरी ना करते हुए वहां से चले जाना ही ठीक समझा। दोस्तों, इसके बाद भी पिंकी की तबीयत कुछ दिनों तक खराब रही, पर अब वो ठीक हो चुकी है। लेकिन वो सब उस घर से हमेशा के लिए चले गए, पर वहां का डर आज तक उस परिवार के अंदर दहशत बनाए हुआ है। और दोस्तों, आज भी माना जाता है कि उस घर में एक भयानक साया है जो उस घर में किसी को भी प्रवेश नहीं करने देता। अब वो घर एक खंडर बन चुका है जहां से आज भी आवाज आती रहती है। बस यही थी हमारी आज की कहानियां। आशा करता हूं कि कहानियां आपको अच्छी लगी होंगी। उम्मीद करता हूं कि आप लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर करेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। बाय बाय।